ये देखो, आज इन जन आपको फुर्सत मिली है। कहाँ थे इतने दिनों से? अरे यार, क्या बताऊँ, वो हमारे गुरु होते हैं, वो आए हुए थे तो वही समय निकल जाता। आहारचर्या, स्वाध्याय, विहारवृत्ति, इन्हीं में। अच्छा, चलो बढ़िया है, मुझे भी लेके चलते ना एक बार। मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस थे ये साधु को लेकर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जैन धर्म में मुनि नग्न क्यों रहते हैं? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब सही है? देखो, हमारा जैन धर्म ना अपरिग्रह सिद्धांत पर आधारित है। इट मीन्स कि हम दुनिया की चीज़ें कम से कम रखते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होगी उतनी देखभाल करनी पड़ेगी और दुख भी उतना ही होगा। इसलिए हमारे जैन मुनि अनावश्यक चीज़ों का त्याग करते हैं और जैसा स्वरूप है वैसा ही रहते हैं। तो क्या उनको अजीब नहीं लगता सबके सामने जब वो ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो अपनी साधना में लीन रहते हैं। उनको क्या मतलब कि कौन क्या सोच रहा है, और वैसे भी हम किस किस की बातों पर ध्यान देंगे, सबका नजरिया एक सा थोड़ी होता है। ओके, तो थ्रू आउट द डे वो क्या करते रहते हैं? मतलब बाकी चीजों के बिना उनका मन कैसे लगता होगा? देखो, जैन मुनि पंच परमेष्ठी की आराधना में लीन रहते हैं, मतलब जो उनसे भी अच्छे हैं उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और वही वो दिन भर करते रहते हैं, अपने परिणाम इंटेंशंस को संभालते हैं आत्मा से परमात्मा बनने के लिए। तो क्या वो किसी से, मतलब किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं? देखो, जैन मुनि पंच परमेष्ठी की आराधना में लीन रहते हैं, मतलब जो उनसे भी अच्छे हैं उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और वही वो दिन भर करते रहते हैं, अपने परिणाम इंटेंशंस को संभालते हैं आत्मा से परमात्मा बनने के लिए। ओके, ऐसा, ये तो बहुत अच्छी नजरिया है। मीन्स नो अट्रैक्शन, नो सैडनेस। इतनी टिपिकल लाइफ में भी इतने अच्छे से लाइफ बनाते हैं ना जैन मुनि। मुझे भी एक बार दर्शन करने ज़रूर ले जाना, और अटैचमेंट को कम से कम रखने का कोशिश करना है मुझे भी जैन मुनियों की तरह। अब मुझे समझ में आया कि जैन मुनि का क्यों ऐसे रहते हैं। वही मैं सोच रही थी। थैंक्स अ लॉट डूड। वो क्या कहते हैं ना आप लोगों में, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र।